वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई आज का सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ डॉक्टर के पास। आपने वो रील देखी होगी जिसमें मेरे को इंजरी हो गई थी। मैं 120 केजी से बेंच प्रेस कर रहा था तो बार स्लिप होके मेरे यहाँ पे गिर गई थी। तो फिर मेरे को लगा कि 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक नहीं हुई। फिर अब डॉक्टर पास जाते हैं, एक्सरे करवाएंगे, फिर देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं कि 2-4 दिनों में ठीक हो जाएगा या फिर ज़्यादा रेस्ट लेना होगा। और दूसरा सीन ये है भाई, लोअर बैक बिल्कुल टाइट हो चुकी है, स्टिफ हो चुकी है। तो जब भी डेड लिफ्ट या फिर स्क्वाट करता हूँ तो पेन होने लग जाता है। तो किसी ने कहा है कि भाई नीडलिंग करवा ले, अब जाके देखते हैं कि नीडलिंग होगी या कपिंग। कपिंग नॉर्मल होती है, बट नीडलिंग में सुई डालते हैं, उसमें पेन होता है बहुत ज़्यादा। और अगर नीडलिंग हुई तो आपको दिखाते हैं कैसे होती है और कैसा फील होता है। तो भाई अब जा रही डॉक्टर के पास, ये भाई निशांत। तो भाई बहुत भाइयों के कमेंट और डीएम आ रहे थे कि भाई बार स्लिप हुई कैसे, अपने ग्रिप भी सही पकड़ी हुई थी। तो भाई तीन गलतियों की वजह से बार स्लिप हुई है। पहली, मैंने पाउडर नहीं लगाया। दूसरा, बार रोल हो गई। और तीसरा, उस बार पे बिल्कुल भी ग्रिप नहीं थी। तो भाई वो तो बस भगवान की दया थी, वेट स्लिप होके चेस्ट के नीचे गिर गया। बाई चांस अगर गले पे आ जाता तो भाई जान भी जा सकती थी। तो भाई आप भी थोड़ा देख के क्या करो। तो भाई कई भाइयों के कमेंट आ रहे थे, एक बार वो दिखा देता हूँ क्या आ रहे हैं। सपोर्टर की गलती, भाई सपोर्टर की बिल्कुल भी गलती नहीं है। उस पोजीशन में 120 किलो नहीं उठता। और दूसरा, वो नॉर्मल सपोर्ट देने के लिए खड़ा था, उसको नहीं पता था कि बार स्लिप होगी। तो भाई सपोर्टर बिल्कुल गलती नहीं है, जानबूझ के छोड़ना। हाँ भाई अभी छोड़ना, मजे आते हैं, ऊपर करके देखना। और भाई ईगो लिफ्टिंग, भाई ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं थी। मेरे को 6 रैप लगाने थे, 4 मैंने सेल्फ लगा लिए थे और 2 सपोर्ट से लगवा रहा था, तो लास्ट रैप में हो गया था। बस भाई यही है। एक कह रहा है कि फोर आर्म से, भाई फोर आर्म से नहीं उठता ऐसे वेट। अगर वो फोर आर्म से स्लिप होता, आप फोर आर्म से सपोर्ट लगवाते तो भाई आगे गिर जाते उस पर। एक वो बार तो गिरती गिरती और आप भी उसके ऊपर आगे गिर जाते। और भाई एक कमेंट आ रहा है कि भाई फोर आर्म्स के वेंस पे वीडियो बनाओ। तो भाई फोर आर्म्स का ऐसा है कि भाई नेचुरल होती है और कई सप्लीमेंट होते हैं एल कार्नेटाइन ऐसे, तो भाई वो वीडियो में बता दूंगा क्या क्या होते हैं। और भाई नेचुरल का एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये भाई निशांत, भाई एक बार अपनी फोर आर्म्स दिखाइयो, देखो भाई बिल्कुल नेचुरल है, भाई जिम भी नहीं जाता है। और भाई भाई के ट्राइसेप दिखाई हो, ये देखो भाई भाई नेचुरल ट्राइसेप, भाई बताइयो कैसे बने हैं। भाई ये है भाई पापा की दया है। ले भाई पापा की दया बन गए भाई के। तो भाई नेचुरल होते हैं चीजें, कई जेनेटिक्स भी होते हैं। और वेंस मेरे भी नेचुरल ही थी, तो फिर बल्क किया तब भी नेचुरल ही है, तो मैंने कोई सप्लीमेंट सुप्लीमेंट यूज नहीं किया है। तो भाई अब वहां पहुंच के वीडियो बनाते हैं। टाइम देना, अभी 10 मिनट और देना। करके भी बना दो, इनको कुछ चाहिए होगी ना, तुम शेयर कर देना वीडियो। गलती नहीं ना कुछ नहीं देखो, फील तो नहीं हो रहा पेन? नहीं पेन हो रहा है हर्ष? नहीं हो रहा है? नहीं उसकी मसल्स फैट खत्म ही कर रखा है इसने, एक बार ऊपर आना हल्के से, पकड़ में नहीं आ रही है। ज्यादा पेन हो तो बता देना। पूरा अच्छे से रेडनेस हो गई है, खा भी तो खून रखता है मेरे ख्याल से तुमने खून तो तो भाई एक्सरे और कपिंग करवा लिए। तो चेस्ट का ये रहा, डॉक्टर ने कहा मसल पेन है, बोन इंजरी नहीं है, तो 2-4 दिनों में आपने आप ठीक हो जाएगी।
तो भाई कपिंग का ये रहा, उन्होंने वीडियो बनाने से मना कर दिया, निशांत को बाहर भगा दिया, इससे कह दी तू बाहर ही बैठा रहे। और भाई फिर उन्होंने जो क्लिप बनाई थी वो मेरे पास शेयर कर दी, और भाई फिर अपने मैगडी में गए, और भाई मैं तो खाता नहीं, यही जिद करने लग गया खवाते जरूरी है। फिर भाई मैगडी में खाया, एक बर्गर ही खाया इसने, एक बर्गर और कॉफी पी। और भाई अब वीडियो को लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करना। और भाई वीडियो चैनल थोड़ा नया है तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इतना बोलना नहीं आता ढंग से, तो भाई धीरे धीरे वो भी आ जाएगा, तो आगे बहुत बढ़िया बढ़िया व्लॉग आते रहेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब करियो। जय श्री राम।